आप इससे अंदाजा लगा सकते हो जो मैं बोल देता हूं ना वो चीजें होती जरूर है मैंने दो दिन पहले आपको बोल दिया था सलमान खान के फैंस जो है आप रेडी हो जाओ आपको जबरदस्त सरप्राइज मिलने वाला है ये दो दिन पहले मैंने बोला था आपको पांच महीने पहले मैंने बोला था सलमान खान की दो फिल्में आने वाली है जो आपको शॉक कर देंगी जिसमें आपको पता चला ए मुर्गदास वाली जब अनाउंसमेंट हुई तो कितने लोग शॉक्ड हो गए क्योंकि सलमान खान ए मुर्गदास के साथ आ रहे हैं और मैंने आपको पांच महीने पहले ये बात बताई थी आप मेरी वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो तो जो बोलता हूं वो होता जरूर है बट मैं उसको जो होता है ना क्लियर नहीं बोलता है कि कौन होगा कौन होगा, क्यों नहीं क्योंकि बहुत लोग एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं ना इस बात की कि भाई आपने ये बोला ये बोला ये हुआ वो हुआ लेकिन मैं आपको बोलता हूं थोड़ा रखो होने वाला ये है तो दो दिन पहले मैंने आपको बोला था द बुल के बारे में कि इसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्द होगी जैसे सिकंदर का हुआ है, वैसे उसका भी होगा आखिर कल आकर जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा विष्णुवर्धन ने खुद क्लियर कर दिया कि भाई हम सलमान खान के साथ आ रहे हैं धर्मा प्रोडक्शन के साथ आ रहे हैं अब आपको पता चला ना कि जो मैं बोलता बहुत नल्ले कूदने लगते हैं अब है, कुछ भी बोल दे रहा है कुछ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है मेरी सारी वीडियो उठा के देखो भाई मैं ये प्रूफ नहीं करता मेरी पकड़ कहां तक है लेकिन जो बोलता हूं वो होता है जाके आप मेरी वीडियो चेक करो लेकिन ये बहुत बड़ी बात हुई कल विष्णुवर्धन ने इस चीज को क्लियर किया विष्णुवर्धन ने कह दिया कि हम सलमान खान के साथ आ रहे हैं देखो कहने तो नॉर्मल लोगों के लिए एक न्यूज है बट सलमान खान के फैंस के लिए बहुत बड़ी बात है देखो सलमान खान के फैंस चाहते थे कि सलमान खान नए नए डायरेक्टर के साथ काम करें मतलब उनका सपना था कि एक अच्छे डायरेक्टर हो नया डायरेक्टर हो प्रोड्यूसर नए हो प्रोडक्शन हाउस बड़ा हो और सलमान भाई अब बार ईद में तो नहीं आए लेकिन सरप्राइज एक से बढ़कर एक दे रहे हैं जैसे जैसा कि उन्होंने सिकंदर का दिया ए मुर्गदास के साथ वो काम कर रहे हैं बहुत लोगों का ड्रीम तब से था जब गजनी में नाम आया था सलमान खान का कि सलमान भाई ने वो फिल्म शायद कर ली होती ए मुर्गदास वाली उसको सलमान भाई ने पूरा किया कि ए मुर्गदास वो काम करेंगे अभी तो ये था लेकिन अब जो बीच में चल रही थी दाबुल को लेकर बनेगी कि नहीं बनेगी मैं बार बार हर वीडियो में बोल रहा था नल्ले जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो ये होगा जरूर होगा मेरी आप कोई भी वीडियो दाबुल की लेकर उठा के देख लो मैंने क्या बोला है और मैंने परसों ये बात बोली और कल ये चीज क्लियर हो गई अब इससे अंदाजा लगा रहे ना कि मैं फेंकता नहीं हूं भाई साहब जो होता है वही बोलता हूं थोड़ा टाइम लगता है इसीलिए आप लोग आप धमाका होगा मतलब बाप लेवल होगा क्योंकि सलमान खान का वो स्टार्टअप जबरदस्त तरीके का मतलब जो अभी तक नहीं देखा किसी ने वो स्टार्टअप स्टार्ट होने वाला है दो से और बैक टू बैक होने वाला है क्योंकि सलमान खान की जो भी पाइपलाइन में फिल्में है ना वो बड़े बजट के और बड़े बेहतरीन डायरेक्टर के साथ है मतलब काम का कमाल का, का काम करेंगे सलमान भाई अब की आपकी बारे बोल रहे हैं कि विष्णुवर्धन नेशनल विनर डायरेक्टर है मैं ये नहीं कहता वो नेशनल विनर है तो ऐसा है वैसा है मैं ये कहता हूं वो डायरेक्टर है उनका पेशा है डायरेक्शन बाकी कोई चीज नहीं और वो डायरेक्टर कमाल के डायरेक्टर है उनको आपको पता है उन किस तरीके से अपनी फिल्मों को बनाते हैं किस तरीके से वो एक्टर को प्रेजेंट करते हैं यह आप सबको पता है और एक चीज यह है कि सलमान खान के बारे में उनको अच्छे से पता है कि सलमान खान का इरा क्या है सलमान खान का स्ट्रडम क्या है मतलब जो दीवानगी लोग बोलते हैं पागलपन वो उनको अच्छे से पता है विष्णुवर्धन को और उनको किस तरीके से प्रेजेंट करना है ये वो बखूबी जानते हैं अच्छा सलमान खान की दीवानगी दुनिया को पता है मतलब छुपाए छुपी नहीं है कि सलमान खान की फिल्में जब थिएटर में आती हैं जिस तरीके का माहौल होता है वो क्या कहते हैं उसको पागलपन जो होता है वो आपको पता है किस तरीके का होता है फिल्मों में बहुत सी आई हैं लोग सीटियां मारते हैं तालियां मारते हैं लेकिन जो जुनून है खतरनाक तरीके से जो थिएटर स्टेडियम वाला ये सिस्टम दिखाया सलमान खान ने अपनी फिल्मों से और उनके फैंस ने बताया किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं तो विष्णुवर्धन को अच्छे से पता है सलमान खान का स्टारडम क्या है तो वो उम्मीद पूरी है कि वो बहुत खूबसूरत तरीके से सलमान खान को ऐसा प्रेजेंट करेंगे जो किसी ने सोचा नहीं होगा एक अच्छा डायरेक्टर और मेन डायरेक्टर मेन डायरेक्टर वो अगर सलमान खान को प्रेजेंट करेगा तो जाहिर सी बात है पिक्चर तो पाप लेवल के होने वाले इसमें कोई डाउट नहीं और दाबुल को लेकर मैं बार बार बोल रहा हूं मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं ये मैंने हर वीडियो में बोला है